ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, फेब्रुआरी 20, 2024, बाप दादा मधुबन। श्री बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी। बाबा कैसे, किसके तन मन धन? हमारे। बाबा कहते, मांगने से मरना बना, दूसरे से मांगना नहीं, अपना जो भी कुछ है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का वो ही लगाना है। और जितना तन मन धन यहाँ लगाएंगे उतना ही मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, इस जन्म में अनुभव करेंगे और फ्यूचर में भी मिलेगा ही। इसलिए तन लगाओ, यदि तन लगाने का नहीं चांस मिलता है तो धन लगाओ, वो दोनों नहीं मिलता है तो बाबा कहते मन लगाओ, कुछ ना कुछ लगाओ। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। आत्माओं की सेवा करेंगे, आत्मा में मैं आत्मा और दूसरे भी आत्मा, सबकी सेवा करेंगे आत्मा समझकर, तो क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और ये जो कलयुग की दुनिया है वो सतयुगी दुनिया, आयरन एजेड वर्ल्ड विल बी गोल्डन एज। और परमात्मा का सबसे बड़ा कार्य यही है, दुनिया का परिवर्तन करना ट्रिनिटी के द्वारा, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। कराने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा है। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? एक क्वेश्चन के दो पार्ट है। उत्तर है, पहला पार्ट, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, जो हो रहा है वो ही होना चाहिए, ये ड्रामा का लॉ है। इसलिए बाबा कहते हैं यदि बेफिक्र रहना है तो क्या करो? बाबा कहते पूरा का पूरा, पूरा फेथ रखो आप बाप और ड्रामा में। बाबा कहते ड्रामास बिल्कुल एक्यूरेट, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है वह बिल्कुल एक्यूरेट है, वही समय पर होगा वो। परंतु अभी तुम बेफिक्र रह नहीं सकते। बाबा कहते बेफिक्र कब रह सकेंगे? उनका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उनका उत्तर, नहीं रह सकते कब? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसलिए अभी तो थोड़ी थोड़ी फिक्रात आती रहेगी और जाती भी रहेगी। कोई भी चीज़ आती है ठहरने के लिए नहीं आती, वो जाती ही है, चाहे स्थूल चीज़ हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे लोग हो, आएंगे और चले जाएंगे। मगर हमें बेफिक्र रहना है, कोई फिक्र चिंता नहीं करनी है, हमारा फर्ज हमें पूरा करना है, रिएक नहीं करना है, रिस्पॉन्स जरूर करना है। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। कर्मातीत अवस्था के लिए क्या चाहिए? योग चाहिए, कनेक्शन चाहिए, पावर चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते, खाली मेडिटेशन नहीं, खाली ज्ञान भी नहीं, दोनों चाहिए। मेडिटेशन का आधार क्या है? इसको ही ज्ञान को ही कहते हैं स्पिरिचुअल नरिशमेंट मेडिटेशन के साथ। योग मतलब हम जो कहते हैं मेडिटेशन, क्योंकि यह कोई आसन प्राणायाम की बात नहीं, उनके साथ ज्ञान बहुत ही जरूरी है, खाली मेडिटेशन वर्क नहीं करता है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। कौन बोल रहा है? सर्वोच्च अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी बोल रहे हो। कैसा है पतित पावन? दूसरा किसी की ताकत नहीं जो दूसरे को पावन बना सके, खुद को भी पावन हम 100% नहीं बना सकते। यदि खुद को नहीं बना सकते तो दूसरों को क्या बनाएंगे? डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बना सकता है, बाकी इंजीनियर भी नहीं बना सकता, लिमिटेड नॉलेज है। इसलिए बाबा कहते हैं वही है जो हमें अनलिमिटेड नॉलेज देता है, अनलिमिटेड पावर देता है, अनलिमिटेड गुणों के खान बना देता है। बाप ने समझा दिया है क्या कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता, कभी भी नहीं। बाबा कहते हैं मृत्यु और जन्म से वो न्यारा, बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। इनकॉर्पोरियल शरीरधारी है ही नहीं,
इसलिए देहधारी मनुष्य को चाहे देवता चाहे देवदूत चाहे धर्म स्थापक चाहे धर्माचार्य किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। और गीता में भी वेरी क्लियर है, फिजिकल गीता में भी, कि अभोक्ता अव्यक्ति मतलब व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है वो। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, इनको देवता जरूर कहेंगे, भगवान के समान कहेंगे, मगर पतित पावन का टाइटल सिर्फ उनको ही लगता है। बेचारे बहुत मुंझे हुए, क्यों पता ही नहीं है क्या रियलिटी है, क्या है क्या नहीं है, कहीं कनेक्शन नहीं है शास्त्रों का एक दूसरे से। भारत में जब सूत मूंझ जाता है, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, खास भारत आम सारी दुनिया, तब शिव बाबा को आना पड़ता है, उनका भी रोल है, उनको भी आना पड़ता है, वो भी ड्रामा से छूट नहीं सकता क्योंकि एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। सूत मूंझा हुआ, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है, घर जाने का और स्वर्ग में जाने का रास्ता ही भूल गए, इसलिए उनको कोई सुलझा नहीं सकता बाप के सिवाय, परमात्मा के सिवाय। वही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी दुनिया में तो हमें भी कहाँ पता था, जब ज्ञान नहीं मिला था तो कोई बायोग्राफी का पता नहीं था, शिव शंकर एक मानते थे, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, इसलिए सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी कैसे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितना चर्निंग करेंगे, जितना अनुभव करेंगे, उसी के प्रमाण ही जानते जाएंगे। पहले यहाँ बैठे हैं बाबा के सामने, रोज सुनते हैं, तो अभी ध्यान में यह नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वह इनमें विराजमान है, किनमें, ब्रह्मा में, दादा में, और हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे। कितने बाबा ने बात बता दी एक ही सेंटेंस में, क्या याद नहीं रहता है? रोज सुनते तो भी ध्यान में नहीं आता है, अटेंशन नहीं रहता है, टेंशन में बदल जाता है अटेंशन भी, कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, साथी बना लो बाबा कहते, मुझे सदा साथ रखो, पास रखो। दूसरा, इनमें विराजमान है, किस में, दादा में। तीसरा, हमको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परम आत्मा है जो आत्मा को पढ़ाता है। और चौथा, पावन बना रहा है, उनकी याद से धीरे धीरे ज्ञान और योग से पावन बनते जाएंगे। और पांचवा, युक्ति बतला रहे, युक्ति युक्त, हर चीज़ की बाबा मेथड दिखाता है, विधि दिखाता है, और विधि से ही सिद्धि मिल जाती है, मगर कोई भौतिक सिद्धि की यहाँ बात नहीं। यहाँ बात है मन और बुद्धि को स्टेबल करने की, कूल करने की, काम करने की, इमूवेबल अनशेकेबल मतलब युधिष्ठिर बनाने की। कुछ भी आ जाए बाबा के आगे पीछे, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। ये हमारा लक्ष्य है। क्या जानते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बन करके क्या बन जाते हैं, रचता और रचना के नॉलेज को जान जाते हैं, और वो नॉलेज से ही काम पर जीत मिलती है। तो वह बाप पतित तो पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। पतित तो पावन है तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही रचता का काम है। उनका रचता का वही काम ये नहीं है कि सब कुछ विनाश करके फिर से रचे, जी नहीं, एनर्जी है आत्मा, इसलिए एनर्जी का कभी विनाश नहीं होता। परम आत्मा भी एनर्जी, और ड्रामा क्या है, समय है, समय का भी विनाश नहीं हो सकता। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं क्या हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, दादा से नहीं, कोई भाई बहन से नहीं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। बाबा के बच्चे तो है, कहते हैं ब्रह्मा कुमार है, मगर अंदर कुछ टपकता ही नहीं है बाबा के। तो शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी बाप ने अपना परिचय दिया है ने? हमें भी कहाँ था, किसी ने रास्ता बताया, परिचय मिल गया और आ गए। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं,
मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, कोई शो नहीं है उनका। यह साधारण तन है, कौन? ब्रह्मा दादा, जाड़ के अंत में खड़ा है। जाड़ का चित्र में ऊपर देखो ब्रह्मा खड़ा है, नीचे भी कौन बैठा है? वही आसन लगा कर बैठा है नीचे भी, इसलिए बाबा कहते अंत में खड़ा है। पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर खड़ा है नीचे बैठा है, इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं, उनको भी नहीं पता था। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, नीचे आदि देव ऊपर में आदि नाथ, ऊपर में नीचे आदि देव ऊपर में आदि नाथ, ऊपर में खड़ा है पुरुषार्थी है, नीचे बैठता है तब क्या है, देव बन जाता है, ब्रह्मा देवता बन जाता है, मतलब फरिश्ता बन जाता है। इसलिए खड़े रहने में और बैठने में अंतर है। तुम बच्चे समझा सकते हो, हम शिव हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है, ओरिजिनल हमारा आत्मा का पिता परमात्मा है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, सब आत्माएं, परंतु जानते नहीं हो। सब समझाओ दूसरे को, बाबा कहते ऐसे भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स, आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा फादर फादर नहीं है, ब्रदर ब्रदर है। बाप कहते मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ा कर देवता बनाते, पहचान ही नहीं है उनका, कनेक्शन होगा ही नहीं तो देवता कैसे बनेगी। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है, देख रहे भारत की हालत सब हम अपनी आंखों से। जो काम को जीते का वही जगत जीत बनेगा, गीता में भी बार बार काम महाशत्रु पढ़ो। इसलिए बाबा कहते यहाँ भी मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, यह कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग को ऊपर, नर को नीचे, यहाँ कुछ भी नहीं तो कोई भी जानता नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं, कोई नहीं, साधु भी नहीं, परित्राणायाम साधुना। मैं नॉलेज फुल हूँ, फुल ऑफ नॉलेज है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता है। यह है एम ऑब्जेक्ट को, क्या यह मतलब लक्ष्मी नारायण? मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, वही लक्ष्मी नारायण क्या बनते हैं? दादा ब्रह्मा और मम्मा किसके शरीर में प्रवेश करता है? दादा के शरीर में, नारायण के शरीर में, कृष्ण की आत्मा उसके शरीर में लास्ट जन्म में। तो बाबा कहते हैं नॉलेज देता हूँ, कृष्ण नहीं देता है, ये ब्रह्मा नहीं देता है। अब तुम भी पवित्र बनो, इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे, किसका? जगत जीत बनने का। तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं जिस्मानी नहीं, बाबा कहते शरीर की बात ही नहीं है, जो बात है आत्मा की। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, हम आ गए संगम युग कर, मतलब युग भर, मतलब हमारा कलयुग पूरा हो गया। भक्ति है वहाँ जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पार्टी आए, गीता को पढ़ने वाले रेगुलर, तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन गए? अब आजकल कह रहे प्रश्नों के दम चलाओ तो क्या हो जाएगा, उनको पता चले मून जाएंगे क्या? तो प्रश्न पूछते मतलब ये लोग जानते ही होंगे, तो जानने की उत्कंठा होगी। इसलिए बाबा कहते प्रश्न पूछो गीता पाठी, इतना ही बोलो कि भाई क्या क्या डिफरेंशिएशन है। वही कृष्ण कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, अजन्मा हूँ, अव्यक्ति हूँ, कैसे हो सकता है? सामने खड़ा है तो कौन बोल रहा है? यह लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं, इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाए। कौन समझाता है? बाबा समझाता है। कोई भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा, ने बाबा के पास तो जाना पड़ेगा, या तो बाबा के बच्चे के पास जाना पड़ेगा। तो मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन क्या है,
कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, तो पहचानने वाले बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कौन पहचान सकते, गीता के महावाक्य, कोटों में को और को में भी कोई मुझे पहचान सकते, मैं जो हूँ मैं जैसा हूँ, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते, बाबा के बच्चे हैं मगर पता ही नहीं जाना, तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है, माँ में कम याद क्यों नहीं करते हो, बाबा कहते क्यों नहीं करते हो, कहते बाबा याद भूल जाती है, देखो बाबा का जवाब, अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यूँ तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है, बाबा को भी पता है क्योंकि देह अभिमान है, जन्मों जन्म की आदत पड़ी हुई है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं, बाबा पुरुषार्थ कितना करता रहता है, जब यज्ञ से चालू हुआ यज्ञ ओम मंडली तब से लेकर अभी तक देखो बाबा का कंटिन्यूस कार्य चल रहा है, कोई न कोई बच्चे दो, अभी तो 2 गुना 3 गुना स्पीड से चल रहा, पूरी स्पीड से बाबा काम कर रहा है, अरे जो बाप तुमको शीर्ष सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको भूल जाते हो, माया भुलाएगी भी जरूर, माया का काम है आना, हमारा काम है माया को भगाना, टाइम तो लगेगा, ऐसे भी नहीं माया को भूलना है, भुलाना ही है, ऐसा नहीं माया नहीं भुलाएगी, हमें भूलना पड़ेगा, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ, नहीं पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, कंडीशन है, याद करो तो, कर्म करो तो फल मिलेगा, याद करने की मेहनत करना पुरुषार्थ करना वो भी कर्म ही है, जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ वैसे कोई भी बड़े ते बड़ा जज आएगा उनको भी बाप बोलेंगे ने बच्चे, और प्राइम मिनिस्टर बैठा हो प्रेसिडेंट बैठा हो कोई बाबा तो बच्चा ही कहेगा ने, क्योंकि मैं तो ऊंचे थे ऊंचा भगवान हूँ, और देखो स्टेज पर बड़े बड़े बैठे होते बच्चे कहते किसी को वो नहीं लगता है कि बच्चे क्यों कहते, संकल्प ही नहीं उठता है उस समय, तो कहने का मतलब पावर है उनकी, तो बाबा कहते ऊंचे थे ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने की कौन सी ऊंची पढ़ाई, राजकुमार राजकुमारी बनने की, वही फ्यूचर में महाराजा महारानी बनेंगे ने, बाप कहते मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं, किनको ब्रह्मा को, पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्यों यह प्रवृत्ति मार्ग चलाता है, निवृत्ति मार्ग नहीं चल सकता क्योंकि वरना दुनिया का प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ग्रोथ जो हम देख रहे हैं वो क्यों हो रहा है, प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके, उनसे वृद्धि हो ही नहीं सकती, वो कभी भी राजयोग सिखला नहीं चाह सकते, प्रवृत्ति मार्ग में क्या चाहिए, राजा रानी चाहिए, दोनों चाहिए, विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, परंतु वह तो सुख को काग विष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे, राजयोग मतलब राजा बनने का योग, को राजा कैसे बनाएंगे, वो तो कहते सुख है ही नहीं तो राजा बनने की बात ही नहीं आती है, वहाँ तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अर्जुन छोटे हैं, बालिक नहीं बने हैं, मैच्योर नहीं बने, बालिक बने की हिम्मत चाहिए, युवान बन जाते तो हिम्मत, बाप बदलाते हैं, यह है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो यह पतित दुनिया है या पावन दुनिया, पूछो उनको, बुलाते हे पतित पावन हे लिबरेटर आओ, इसका मतलब दुनिया कैसे है पूछो, लिबरेटर बुलाते इसका मतलब दुनिया में दुख है इसलिए तो लिबरेट होना चाहते हैं, तुम समझते होने कि हम नर्कवासी हैं, क्या यह देवी संप्रदाय है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या यह रामराज्य है, चौथा क्वेश्चन तुम रावण राज्य के नहीं हो, अब रावण राज में सबकी आसुरी बुद्धि है, पांचवा क्वेश्चन अब आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाने वाला कौन, ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए, सोच में पड़ जाए मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ी, क्या पूछ रहे क्या आंसर होना चाहिए, तो नॉलेज को जाने, इसलिए बाबा कहते सोच में पड़ जाए, तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना,
जाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो जाड़ की वृद्धि एक साथ में नहीं होती है, धीरे धीरे पत्ते बढ़ते हैं, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। आज देखो क्या हाल है, बहुत वृद्धि को पाया हुआ है। बाबा ने जो यज्ञ की स्थापना की हो, माया भी चक्री लगा कर एकदम गिरा देती है, चक्री लगा दी माया, घूमती रहते जा रहे हो। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं, कैसे, विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है, जो कुछ जंक निकाल पति से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। बाबा कहते गिरा तो चकनाचूर, चढ़ा तो शाखे वैकुंठ रस, और गिरा तो चकनाचूर, फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। बाबा कहते फिर आएगा तो मेहनत नए सिर, ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं। बाबा कहते कोई चला गया तो बाबा का बच्चा है, बुलाओ उनको, अलाउ करो, बाबा का ज्ञान है, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा, वह सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते, धीरे धीरे करके रसाता, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। बाबा कहते बार बार नहीं चल सकता है, एक दो बारी आजमाया जाएगा, दो बारी माफी मिली फिर केस होपलेस हो जाता है, फिर आएगा भी लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। वह कहते फिर भी मानो बार बार गिरते हैं तो कौन सा क्लास, डर्टी क्लास, थर्ड क्लास। तो बाबा कहते भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं, कम पद स्टेटस पाते हैं, उनको कहेंगे डर्टी क्लास। कौन सा स्टेटस है, दास दासिया चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना, पूरी राजधानी स्थापन होती है। बाबा कहते हैं महाराजा महारानी, राजा रानी, रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा, प्रजा सामान्य प्रजा, उनके नौकर चाकर, राजा रानी के दास दासी सब है ना। चंडाल भी चाहिए जलाने के लिए, कोई का शरीर छूटता है तो अग्निदाह देंगे, वहाँ यही क्रिमेशन चलता है जो यहाँ चलता है, सब कुछ है वहाँ। तो बाबा कहते हैं क्या होगा पेट में, क्या होगा, डर्टी स्टेटस। तो बाबा कहते सब बनते हैं ना, बाप तो जानते हैं, मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ, वह लोग लाखों वर्ष कह देते भक्ति में। आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5,000 वर्ष की बात है, काफी लोग अब ऐसा मानने भी लगे। वही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह न सके, दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है क्या, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी अब और थोड़ी रही, यह सब इस समय की बातें हैं। समय समय बलवान है, इस समय की बात है, नहीं मानो बलवान, कब समय चला गया, बात खत्म हो गई, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण, कुछ नहीं चलेगा, बात ना कहते कुछ काम में नहीं आएगा, इसलिए अभी मेहनत करो, अभी स्टेटस बनाओ, अभी स्थिति बनाओ, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपनी दिल से पूछना है, क्या पूछना है अपने को, हम याद की यात्रा पर है। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है, उनके स्टेटस देखने के लिए, क्या ज्ञान है, कौन सा धर्म का है, कैसे ज्ञान दिया जाए, युक्ति, जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझाना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा, किसी को समझना ही नहीं है, सॉरी समझा समझना ही नहीं, हम समझाए उनको समझना नहीं तो ना बोल देगा, ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ तो जरूर, यह पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं आकर पावन बनाओ, क्यों बुलाते हैं, और वही एड्रेस करके बुलाते क्यों, क्योंकि खुद पतित है, लिबरेटर कहते क्यों, दुख में फंसे हुए हैं, दुख में बॉन्डेज में फंसे हुए हैं, इसलिए बुलाते हैं लिबरेटर आओ, फिर कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा कैरो ब्रह्मा, शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता है वो। इनको 84 जन्मों की कहानी सुना था, किसको, ब्रह्मा को,
और ब्रह्मा को कहानी में हमारी तत्त्व, बाबा कहते तुम्हारी भी वही कहानी, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, कोई पता ही नहीं क्या है, अब बाप ने ही तुमको बताया है। तो हमारा फर्ज बनता है दूसरों को बताना, कुछ नया हम नहीं कर रहे, किसी ने हमें ज्ञान दे दिया, हमारी ड्यूटी बन जाती है, फर्ज बन जाती है ज्ञान को आगे बढ़ाना। तो बाबा कहते चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए, जितने भी चित्र है बाबा के, अजोड़ चित्र है, अमूल्य चित्र है, किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा का ज्ञान के रतन छुपे हुए चित्र के अंदर, और एक एक बाबा के ज्ञान के वर्जन्स की कीमत है रतन के समान। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ये झट अशरीरी हो जाती है, नो फिजिकल बॉडी नो सटल बॉडी, इसको कहते हैं अशरीरी, इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव अशरीरी भव, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, यह मेला है किसका, आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है, शास्त्र में कहते कुंभ का मेला, बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती। कितना भी बाबा कहते स्नान कर लो, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने, अब गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती है? प्रश्न पूछो, भगवान वाचने काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, गंगा व सागर में स्नान करो वो कहते हैं, बाकी जगत जीत बन जाएंगे कैसे बनेंगे वो नहीं कहते कैसे बनेंगे, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए, किन पर, काम महाशत्रु के ऊपर, मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी कोई रास्ता ही नहीं। कितना भी जड़ी बूटी साधु सो लोग खिला दे अपने शिष्यों को या तो अपने चेले को, देवी गुण धारण करो किसको दुख मत दो, पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, सतयुग में यह होता नहीं, यह वह है पावन दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं, एक भी पतित नहीं पावन दुनिया में, और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है, पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ माइंड कहते हैं इसके बाबा कहते हैं। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता है कब से जलाते आए हो, दुनिया में मनाते हैं क्या कहते हैं, परंपरा से चलाया, लाखों हजारों साल गए देते, कुछ पता नहीं है। राम राज्य में रावण होता नहीं, और वहाँ तो शास्त्र में सब कुछ दिखा दिया है मिक्सचर, जो कि संगम युग की बात है, दिखाए कैसे, इसलिए शास्त्र पात्र उठाए हैं सत्य त्रेता से और रखे हैं शास्त्र के अंदर, बाकी जो नहीं है वो क्या है, कल्पना, बाबा कहते हैं कल्पना के आधार पर। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कब से जलाते आए हो, यह बड़ी समझने की बातें हैं कि रावण राज में, सॉरी राम राज में रावण होता ही नहीं, बड़ी समझने की बात है। जो बाप बेट समझाते हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं, तो कितना भी पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है, वो जितना भी पुरुषार्थ करेगा उसके आधार पर उनकी स्टेज बनेगी और उसके आधार पर ही जान पहचान हो जाती है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा, अब कहते सेवा कुछ भी करो, स्थूल सेवा भी है, मनसा सेवा भी है, वाचा सेवा भी है, कर्मणा सेवा भी है, वाचा तो बहुत सहज है, अब कहते किसी को कोर्स कराना मुरली बजना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सहज है। पहले है मनसा, अर्थात मन मना भव याद की यात्रा में रहना, सबसे बड़ी सेवा वो कहते ये है, किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और दूसरों को शकाश देनी है, एम्पावर करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कहेंगे ज्ञान को याद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान मतलब समझ है, याद सब्जेक्ट पूरा का पूरा अलग है। मामेकम याद नहीं कर सकते, याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम पावर हाउस वो एक ही है जो सबको ताकत देता है। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता, ताकत। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा। अब कहते मनसा भी नहीं करते, कर्मणा भी नहीं करते तो क्या पद मिलेगा। सब्जेक्ट होती है ने, यह है गुप्त समझने की बात है। वो लोग योग योग करते रहते दुनिया में, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं है। वो तो ऐसा ही समझ लेते हैं हमारे जैसे ही देवता है, विकारी है, गाते हैं निर्विकारी है, मगर बच्चे के लिए यही समझ लेते विकारी है। बाबा कहते किसको भी पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद मतलब चेले बन जाते हो। जैसे ही द्वापर आया, बाबा ने जो पावर दी थी कम हुई, ख़त्म। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है, बाबा का बनने के बाद भी। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है, क्यों? पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना, धीरे धीरे बहन भाई के संबंध से भी ऊपर। कौन सा संबंध? भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। अंत में ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। किनको? दादा को, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको फिक्र रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, गीता के माँ वाक्य, हे अर्जुन ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। वह जट सर्विस का सबूत देखा तो यह सब समझने की बात है। हम कहते समझो, अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी, खबरदार रहना है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। कभी भी हिम्मत लूज नहीं करना, बाबा की मुरली चले गए। हिम्मत ही सफलता का आधार है। दूसरी पॉइंट है, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है, तो चेला नहीं बनना किसी भी देहधारी का। आज का वरदान है श्रीमद प्रमा, हर बात श्रीमद के अनुसार। सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले, सेवा में भी क्या करो बाबा कहते श्रीमद के प्रमाण सेवा करो। और सेवा हो गई फिर बाबा जाने, हमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना है, संतुष्ट रहना है तो सफलता मूर्त भव तो सफलता मिलेगी। बाबा समझाते हैं कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, सेंटर है, कोई आवे व नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करूँगा,
मैं संतुष्ट हो तो मैसेज काम जरूर करूंगा, इसमें उदास नहीं हो, मैसेज देने का काम जरूर करने वाला। स्टूडेंट नहीं पढ़े कोई हर्जा नहीं, बाबा कहते हमारा काम है देना, ले नहीं ले उनकी चॉइस है, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्होंने को संदेश मैसेज मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ, श्रीमद प्रमाण कार्य किया तो श्रीमद को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना। बाबा कहते हैं ज़्यादा चिंता नहीं, एक बार काम कर दिया, सेवा कर दी, बाबा जाने बाबा का बच्चा जाने, मगर सेवा दिल से करनी है। आज का स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। बाबा कहते हैं क्या करो, हिम्मत का पैर दो, समर्थी मतलब, तो क्या होगा, वो चल नहीं सकते, चल सकेंगे तो जरूर उनकी दुआएं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।